ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग से 6 किलोमीटर की दूरी पर नरकोटा के समीप बन रहा निर्माणाधीन पुल अचानक टूट गया। इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक मजदूर जख्मी हो गए हैं। अभी 8 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में पहुँचाया गया है, जबकि 2 मजदूरों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम सेटिंग में दबे मजदूरों को निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। वहीं निर्माणाधीन पुल के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल घटनास्थल पर पहुंचे, जिनकी देखरेख में राहत और बचाव कार्य किया गया है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। ब्रिज का निर्माण किया जा रहा था एनएच के द्वारा, जिसमें अभी हम साइट पे हमने देखा कि जो लोहे की शटरिंग थी वो टॉपल हो गई है। इसमें 6 लोग घायल थे जिनको रेस्क्यू किया गया और 2 व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिनकी बॉडीज को निकाल लिया गया है। और अभी हमारी जांच चल रही है, विभागीय अधिकारी यहाँ पर हैं और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई करनी वो भी करेंगे। और